तो कुछ दूसरे स्टॉक्स में से कुछ लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स भी अच्छी मूव तो दिखा रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा FMCG स्पेस को देखें तो आप लगातार चार IT और बैंक्स के बीच में जगल करता रहे, लेकिन फार्मा स्पेस FMCG स्पेस लगातार पिछले कई समय से मूव पर है, और इनके लिए कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर अब ग्रीन शूट्स दिखने लग गए हैं एज़ पर एज द रूरल कंजम्पशन इज कंसर्न। और बड़े स्टॉक स्पेशली नेस्ले, ब्रिटानिया, अगर अब तक प्रशांत किसी ने मौका नहीं ढूंढा हो FMCG पैक में, तो कहाँ पर आपको मौके दिखते हैं? एंट्री पॉइंट्स कौन से, लार्ज कैप FMCG ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर मिड कैप में मेरिको, डाबर जैसे स्टॉक्स में भी मूव हो सकती है? ठीक प्रियंका, सबसे पहले तो मैं आज की गिरावट में जुबिलंट फूड्स मुझे लग रहा है एक ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये करीबन 465 के आसपास मिल रहा है, 450 आपका स्टॉप लॉस एक इसके लिए अच्छा हो रहा है, पोजिशनली 445 का, तो ये एक मुझे लग रहा है अच्छा पिक है। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है कि आज के नतीजों के बाद आप डिसीजन लीजिए ITC पे, अगर इसी लेवल पे आपको मिल रहा है और रिजल्ट का कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होगा 422 के आसपास, 418 के जोन तक भी आप रख सकते हो, यहाँ से शायद अगर अच्छे नतीजे और अच्छा प्राइस मूवमेंट आए तो ये 445 तक भी जा सकता है। सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस की बात कर रहे थे, और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जिसका स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा था, इस वक्त 5% की तेजी दिखा रहा है। साथ साथ दिव्यानी इंटरनेशनल और साथ ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और जुबिलेंट फूड पर भी नज़र रखें। लेकिन FMCG प्लेस में जहाँ मजबूती नज़र आ रही है, मैरिको, कोलगेट, ऑफकोर्स ITC में तो नतीजों से ठीक पहले अच्छा एक्शन हम देख भी रहे हैं, नतीजों से उम्मीदें भी बेटर नंबर्स की हैं, लेकिन कोलगेट और साथ ही मैरिको दोनों स्टॉक में जो पॉजिटिव मूवमेंट है, प्रशांत आपकी राय क्या होगी? और मानसी, अगर हम FMCG सेक्टर को देखें तो ITC हो या HUL हो, सारे ही अच्छे लग रहे हैं। और जहां तक कोलगेट की बात है तो जो 2 दिनों पहले मूव आई थी वो एक बहुत बड़ी मूव थी, अभी डेफिनेटली ऐसी मूव के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होता है, तो जिनके पास पोजीशन हो वो करीबन 1640 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मैं फ्रेश एड यहाँ पे कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस्ड है, अगर डिप मिल जाए तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप कैटेगरी में जा चुका है परसों के मूव के बाद, तो डेफिनेटली इसको वॉच लिस्ट में रखिए।